बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू न किचन विद रोटी चले गाइस बनाते हैं आज ब्रेड चिकन ब्रेड ये बहुत मज़े की बनती है तो आसान ही है इसको बनाना बस इसकी शेप देना थोड़ी सी मुश्किल है तो चलें करते हैं शुरू हम तो चिकन मैंने लिया है इसके अंदर वन पाउंड और ऑयल मैंने लिया है टू से थ्री टेबल स्पून तो हम इसको ऑयल के अंदर इस फ्राई कर लेंगे इसकी बुनाई कर लेंगे जब चिकन वाइट हो जाए तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे टू टेबल स्पून मैदा उसको अंदर डाल के तो इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे जब तक कि इस मैदे का कलर जो है ना हल्का सा ब्राउन हो जाए गोल्डन सा जब मैदे की खुशबू आ जाए तो हम इसके अंदर चिकन पाउडर डालेंगे वो डालेंगे वन टी स्पून वो इसके अंदर डालेंगे तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे ब्लैक पेपर वन टी स्पून ये आप अपने हिसाब से इसको इसके अंदर डाल सकते हैं वन टी स्पून में इसके अंदर मैंने नमक डाला था और वन अनियन इसको इसके अंदर मैंने डाला था तो चलें इसकी बुनाई करते हैं हम टू से थ्री मिनट के लिए जब इसकी अच्छी तरह बुनाई हो जाए तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे दूध दूध मैंने डाला था इसके अंदर वन कप वन कप इसके अंदर दूध डालेंगे और दूध डाल के तो फिर हम इसकी इसको मीडियम कर देंगे जब ये लाइट सी गाड़ी होने लगे तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे और मसाले जी मैं वो पैपरिका भूल गई आपको बताने के लिए पैपरिका भी मैंने इसके अंदर डाली थी वन टी स्पून तो उसके साथ जो है ना कलर जो है ना इसका अच्छा आ जाता है जो कीमे का कलर जो होता है ना वो जरा जो क्योंकि चिकन वाइट वाइट होता है तो फिर उसका कलर जो है ना पेपरिका के साथ अच्छा आ जाता है तो ये देखिए मैंने डाल दिया इसके अंदर वन कप दूध जब ये गाढ़ा होने लगे तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे क्रीम क्रीम इसके अंदर हम डालेंगे लास्ट पे पहले क्रीम नहीं इसके अंदर डालनी क्योंकि वो फट जाएगी फिर तो मैंने इसके अंदर हर हर्ब्स जो है ना वो भी डाले थे अगर आपके पास हैं तो वो डाल दीजिएगा तो ये देखिए अब गाढ़ी होना शुरू हो गई है तो मैंने इसके अंदर क्रैश चिली भी डाली थी वो मैंने मैंने हाफ टी स्पून डाली थी तो ये देखें अब मैंने क्रीम डाली है इसके अंदर टू से थ्री टेबल स्पून फोर सॉरी फोर टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ना क्रीम डाली थी तो ये देखें इसके साथ जो है ना क्रीम के साथ भी थोड़ा सा फ्लेवर इसका अच्छा आ जाता है अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो उसके बगैर भी ये फ्लेवर जो है ना इसका सही आ जाता है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर डाली थी चीज़ जो वो ब्रेड चीज़ नहीं होती वो स्लाइस मैंने दो डाले थे तो ये भी आपकी मर्जी है अगर आप डालना चाहें तो लें तो मैंने डाला था ये हमारा मसाला हो गया जी रेडी ये देखें कितना अच्छा बन गया तो इसके अंदर मैंने लास्ट में डाला धनिया और हरी मिर्चें इसके साथ मैंने इसको गार्निश किया तो ये बहुत मज़े की ब्रेड बनती है तो चले ये मैंने आटे की डो बना ली थी मैंने थ्री कप आटा लिया था जो है ना वाइट वाला वाइट मैदा नहीं होता वही मैंने लिया था उसके अंदर मैंने डाला था थ्री टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाली थी थ्री कप मैंने मैदा लिया और थ्री टेबल स्पून मैंने ईस्ट डाली थी इसके अंदर थी। तो वन टी मैंने नमक डाला वन टू टी स्पून मैंने इसके अंदर चीनी डाली और वन टी स्पून मैंने नमक डाला इसके अंदर और टू टेबल स्पून मैंने इसके अंदर वो डाला था जो नीडो दूध नहीं होता मैंने वो डाला था इसके अंदर ना ड्राई पाउडर आप जोन सा मर्जी डाल सकते हैं और मैंने इसके अंदर एक अंडा डाला था वो उसके साथ मैंने इसको मिक्स करके सबको तो मैंने इसको अच्छी तरह गूंदा था और इसकी डो बना ली थी तो ये बहुत अच्छी मेरी डो बन गई थी तो इसको दो तीन घंटे के, के लिए छोड़ दें आप तो जब ये फूल जाए तो फिर हमारी डोर तैयार है तो वो भी मैं किसी दिन आपको जो है ना दिखाऊंगी कैसे डो बनती है इसकी उसकी मैं वीडियो बनाऊंगी तो ये देखें मैंने जो है ना ले लिया वो इसका बना लिया पेड़ा और पेड़ा बना के तो फिर इसको मैंने बेल लिया और बेल के तो इसको लंबा लंबा हमने बेलना है सही है ना क्योंकि इसकी ज़्यादा लंबी शेप बननी है मैंने तो इसका ना वो फिश स्टाइल बनाया था तो ये देखे इसको साइडों पे आपने कट लगा लेने दोनों साइडों पे एक जैसे कट लगा ले आप तो बस हमारी ब्रेड तैयार हो जाएगी ये देखे एक उधर से आपने करना है एक इधर से करना है तो बस जैसे चुटिया करती है वो होती है वैसे ही हम इसको जो है ना कर लेंगे ये देखे फिश की जो है ज़बरदस्त बन गई है तो थोड़ा सा आप इसको कर लीजिए कर लीजिएगा अपना कोई भी आप स्टाइल दे सकते हैं जो आपकी मर्जी है इसके काफ़ी स्टाइल बन जाते हैं तो मैं मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये बना लिया ये देखें इसके ऊपर मैंने जो है ना वाइट और ब्लैक तिल लगाए थे और साइडों पे एक जो है ना वो मैंने ब्लैक पेपर नहीं होती वो दोनों इनकी आंखें इसकी आंखें फिश की बना ली तो इतनी अच्छी लग रही थी ना ये फिश ना बहुत जबरदस्त लग रही थी तो ये कलर के लिए मैंने जो है ना इसके अंदर ना वो योग नहीं योग अंडे की योग जो होती है सफेदी आप निकाल दें और सिर्फ योग जो है ना उसके साथ इसको जो है ना सारी ब्रेड को लगा दें हम तो इससे कलर बहुत अच्छा आएगा आपकी ब्रेड का ये जो सारा वो अंडा लगा के इस तो फिर इसके अंदर इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे वाइट और ब्लैक तिल जो है ना वो हम स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर ये देखें मैंने ऊपर स्प्रिंकल कर दिए और मैंने दो ब्रेड बनाई थी तीन कप से मेरे दो ब्रेडें बन गई और एक मैंने पिज़्ज़ा बना लिया था तो अगर आपने सिर्फ ब्रेड बनानी है तो फिर आप इसके अंदर जो दो ब्रेड के लिए दो कप जो है ना मैदा जो है ना वो काफ़ी है तो मैंने पिज़्ज़ा भी बना बनाना था तो इसलिए मैंने तीन कप जो है ना मैदा लिया था तो ये देखे ये मैं दूसरी अब ब्रेड कर रही हूँ कोई इतना मुश्किल नहीं है इसको बनाना बहुत आसान है तो इतनी अच्छी मेरी ब्रेड जो बनती है ना बहुत मजे बच्चे बहुत पसंद करते हैं तो इसको वैसे भी आप बना के फ्रिज में रख दें शाम को चाय के साथ इसको जो है ना लें तो आजकल तो वैसे भी सर्दियाँ तो इन्जॉय करें सर्दियों में इस तरह की चीजें जो है ना बेकरी की अच्छी लगती हैं। ये देखें, इसको भी मैंने ऐसे साइडों पे कट लगा लिया और इसके अंदर ये फिलिंग कर दी ये तो मैंने ना कीमे की बनाई है किसी दिन मैं आपको ना चिकन की भी बना के दिखाऊंगी वो जो है ना चिकन वो भी बहुत अच्छा लगता है ये चिकन ये भी चिकन ही है चिकन के कीमे ही है लेकिन इस बोनलेस चिकन की मैं आपको बना के दिखाऊंगी वो भी बहुत मज़े की बनती है वो भी इसी तरह ही बनती है लेकिन बहुत अच्छी बनती है लेकिन कोई और स्टाइल की हम बनाएंगे ये देखें कितनी अच्छी तैयार हो गई है क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल जाए तो अल्लाह हाफिज़ इनशाला हम अगली वीडियो में मिलेंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा तो अल्लाह हाफिज़ दुआ में याद रखिएगा बाय बाय